राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग आईपीएल 2022 में गेंद और बल्ले से वो गदर नहीं मचा पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन फील्डिंग में वो टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पराग ने लीग के 15वें सीजन में फील्डिंग में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आरआर के इस खिलाड़ी ने फील्डिंग में रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। पराग आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रोहित और जडेजा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जडेजा ने साल 2015 और 21 में सीएसके के लिए खेलते हुए 13 कैच पकड़े थे, जबकि रोहित शर्मा ने भी साल 2012 में 13 कैच मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए इतने ही पकड़े थे। रियान पराग के इस सीजन में अब तक 15 कैच हो चुके हैं। पराग ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मोइन अली और नारायण जगदीशन के कैच लपके। रियान पराग के राजस्थान रॉयल्स के लिए एक सीजन में सर्वाधिक कैच लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सीजन का 15वां कैच लेते ही ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उससे पहले ये रिकॉर्ड संजू सैमसन का था, जिन्होंने आईपीएल के किसी एक सीजन में 2013 में सबसे ज्यादा 13 कैच पकड़े थे। वही अजिंक्य रहाणे ने 2012 में राजस्थान के लिए 11 कैच लपके थे। रियान पराग आईपीएल के किसी एक सीजन में सर्वाधिक कैच लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे आगे अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व खिलाड़ी एबीडी विलियर्स ही हैं, जिनके नाम आईपीएल के किसी एक सीजन में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड है। डिविलियर्स ने 2019 में 19 कैच पकड़े थे। पराग अब 15 कैच के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर है। वही किरण पोलार्ड 15 कैच के साथ तीसरे, डेविड मिलर और ड्वेन ब्रावो 14-14 के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर है। रियान पराग ने आईपीएल 2022 में 14 मैचों में 2 बार नाबाद रहते हुए 17.11 की औसत और 148.08 के स्ट्राइक रेट से 154 रन बनाए। उन्होंने हाल ही में बैंगलोर के खिलाफ 56 रनों की नाबाद और मैच जिताऊ पारी खेली थी। पराग को राजस्थान ने इस बार नीलामी में 3,80,00,000 रुपए में खरीदा था। इससे पहले भी वो राजस्थान रॉयल्स का ही हिस्सा थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।